Hey guys, welcome to Tele Soap. देवयानी के दिमाग में कई सारी चीजें घूम रही है, क्योंकि एक तरफ उनके डैडी का माइनर एक्सीडेंट हुआ है और दूसरी ही तरफ कोई अजनबी उन्हें रोमांटिक चिट भेज रहा है। और उसकी हिम्मत तो देखो, उसने तो सीधा देवयानी को मिलने के लिए बुला लिया है। और देवयानी भी कम नहीं, वो निकल पड़ी है उनसे मिलने। पापा का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और मैं परेशान हूँ कि अनुष्का का फ़ोन आया था। अनुष्का ने कहा कि पापा ठीक है, तो पापा अब तक आए क्यों नहीं? और सडनली एक कोई लड़का है जो मुझे ब्लैंक चिट्स भेज रहा है, जिसमें वो मेरी काफ़ी तारीफ लिख रहा है। तो मैं इम्प्रेस हो रही हूँ उस चीज़ से कि पता नहीं कौन मेरी तारीफ कर रहा है, और वो चिट भी आई है। तो मैं सोचती हूँ, उसने मुझे मिलने बुलाया, तो मैं सोचती हूँ कि मिलने कैसे जा सकती हूँ? पापा अभी हॉस्पिटल से घर आए। फिर मैं एक प्लान बनाती हूँ, अनुष्का को झूठ बोलती हूँ और मैं बोलती हूँ कॉलेज में कुछ काम है, ऐसे चली जाती हूँ। फिर जाते जाते मुझे रियलाइज़ होता है, जब भी अनुष्का से झूठ बोल के जाती हूँ, किसी बड़ी प्रॉब्लम में ज़रूर फंस जाती हूँ। लेकिन फिर भी देवयानी तो देवयानी चली जाती है। कौन है ये जो देवयानी को चुपके से चिट्ठी भेज रहा है? कहीं ये उनका बेस्ट फ्रेंड नील तो नहीं? आपको क्या लगता है? To know more, hit the subscribe button below and share your views in the comments below.